नमस्कार। जय बिहार। झारखंड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। इसके अलावा कांग्रेस कोटे के अवधेश कुमार और खुर्शीद आलम ने भी अपने अपने मंत्रालय का काम आज संभालेंगे। कांग्रेस के अलावा आरजेडी के भी कई मंत्री अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी आज अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, अशोक चौधरी ने अपना पदभार संभाल लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री की जिम्मेदारी उनको मिली है और बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी होंगे कांग्रेस के कोटे से। तो जाहिर सी बात है कि कई चुनौतियां भी हैं उनके सामने और वो आज दफ्तर पहुंचे और अपने मंत्रालय में जाकर उन्होंने अपने कामकाज की जिम्मेदारी को संभाल लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अशोक चौधरी ने कामकाज संभाल लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और जाहिर सी बात है कि बड़ी जीत के बाद उन्हें पार्टी ने रिवार्ड दिया, मंत्री पद से सम्मानित किया और बिहार के मानव संसाधन विकास मंत्री हो गए अशोक चौधरी। और कई चुनौतियां बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं। शिक्षकों की बहाली की बात हो या फिर फेयर परीक्षाएं कराने की बात हो या फिर नियुक्ति की बात हो, तो कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में अशोक चौधरी के सामने। और ये अशोक चौधरी ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और आज कई मंत्री अपना पदभार संभालेंगे। और जो सबसे अहम सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वो डिप्टी सीएम तेजस्वी और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी आज अपना कामकाज संभालेंगे। लालू प्रसाद के दोनों बेटे हैं। और आरजेडी की भूमिका सरकार में क्या होगी, बिहार में जो नई सरकार नीतीश की अगुवाई में बनी है उसमें आरजेडी की क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आरजेडी कामकाज करेगी, वो इन्हीं दोनों से तय किया जाएगा। यानी कि तमाम लोगों की नजरें तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर लगी हुई है जो आज अपना पदभार संभालेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मलेशिया दौरे का आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मलेशिया के साझा बयान में कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने और पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच हुए समझौते को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाना चाहते हैं। दोपहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने संबंधी एक समझौते के साथ और कई सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के अपने समकक्ष ली एच लुंग, राष्ट्रपति टोनी तान केंग याम से मिलेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने आतंक को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया था। द स्पिरिट ऑफ इंडिया स्पीक्स इन योर डीड्स, यू रिफ्लेक्ट इंडिया डायवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड कल्चर, एंड यू स्टैंड टूगेदर इन ए स्पिरिट ऑफ हार्मनी, नॉट जस्ट विथ अनदर मलय इंडियंस बट ऑल्सो विथ ऑल मलय पीपल। Terrorism is the biggest threat to the world today. It knows no boundary. It uses the name of religion to draw people to its cause. But it is false, and it kills people of all faiths. We have to delink religion from terror. The only distinction is between those who believe in humanity and those who do not. I have said it before and I will say it here. The world must come together to combat the biggest challenge of our times.